हेलो भाई, मैं हूँ शो भाई। आज मेरे पास है महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक। ये भी इसका S11 मॉडल है, जिसका टॉप एंड वेंट आता है 19.5 लाख रुपए तक की। भाई गाड़ी कोस्ट करते हैं और किया बहुत ऐसी मिलते हैं फ्लिप की, जो महिंद्रा की आती है। इसमें अपने लॉक अनलॉक और इसके DRL वगैरह का अपना बटन मिल जाता है। बाकी इसको अगर आप प्रेस करके रखते हो तो हॉर्न अपने ब्लिंक करते हैं। बाकी एक बार मैं आपको गाड़ी के ओनर से मिलवाता हूँ। सो भाई, अपने मिलन भाई, और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। ये गाड़ी आपने कब ली थी? गाड़ी 21 दिन। तो ये मतलब कितनी का कोस्ट पड़ गई थी आपको S11 की? ये पड़ी थी भाई ऑन रोड सर्विस मिला के 100 लाख। और इसके अलावा आपने और कौन कौन सी मतलब गाड़ी देखी थी उस प्राइस रेंज में? इस प्राइस रेंज में तो दरअसल जो थी ऐसी भी टाइप गाड़ी स्कॉर्पियो ही थी। बाकी स्कॉर्पियो NP या स्कॉर्पियो तो ही गाड़ी थी मेरे भाई ने जो ली मेरी। लेकिन आज के टाइम में जो भी ये लेता है स्कॉर्पियो S11, मेन इसकी वेटिंग पे वो होता है कि भाई वेटिंग 2-2 साल तक की जा रखी है गाड़ी पे। तो जल्दी मतलब कैसे आपकी वेटिंग? तो 2 साल की नहीं थी, मैंने बुक कराई थी जब उन्होंने बताया था 28 से 30 हफ्ते की बुकिंग थी। लेकिन फिर मैंने जैसे बात बात की और फिर हो गई थी बात, 1 महीने में उन्होंने दे दी थी गाड़ी। इसमें मतलब ऐसी वो स्कॉर्पियो जो अपनी क्लासिक आती है और जो N आती है, मतलब N लेने क्यों नहीं ली? मतलब N क्योंकि N भी सही ऑप्शन है। लेने के और लेने के काफी रीजन है, दोनों गाड़ियां काफी अलग है। नाम स्कॉर्पियो, लेकिन जैसे स्कॉर्पियो क्लासिक और N में मतलब बाहर से और अंदर से मतलब पूरी चेंजेस है। वो गाड़ी है वो उसमें फीचर्स ज्यादा है, लुक्स उसकी मतलब जो लेटेस्ट डिजाइन है, इंटीरियर जो है वो भी लेटेस्ट है जो अभी चल रहा है। क्लासिक है, इसका काफी सालों से जैसे इंटीरियर आ रहा है वैसा इंटीरियर है। थोड़ा बहुत चेंजेस है, जैसे अभी ग्रिल वगैरह में चेंज, बम्पर चेंज कर दिया, टेल लैंप्स की है, DRL वगैरह। इसकी बेसिक लुक है जो इसका कंसेप्ट है क्लासिक का, शुरुआत से लेकर अब तक जब से ये आई थी 2002 में तब तक इसकी सेम ही वो है लुक, सेम ही चेसिस मिलती है। और भाई फ्रेंड्स, अगर आप गाड़ी देखते हो काफी अच्छी लगती है कि, तो आपको इसमें ऐसी ही मिलता है, उस महिंद्रा का लोगो चेंज हुआ है, थार में भी आपको सेम ही की मिलती है। बाकी फ्रंट में इसके अंदर आपको हेलोजन सेटअप में लाइट मिलती है, LED वगैरह आपको नहीं मिलती, LED आपको N में मिलती है। ये इसके हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं और इसकी ये हेलोजन ही अपनी फॉग लैंप मिलती है, अपनी DRL आ जाती है वाइट, इसमें LED लाइट दे रखी है। फ्रंट के ग्रिल आपको पूरी मैट फिनिश में दे रखी है, इस पर आप यहाँ पे क्रोम देख रहे। ये इसका भाई ब्लैक कलर है, भाई ब्लैक कलर लिया जो आपने, ब्लैक कलर पे ज्यादा वेटिंग होती है और कोई कलर पे? कलर का तो ब्लैक कलर पे ज्यादा वेटिंग थी, व्हाइट कलर का तो फिर भी अवेलेबल हो जाता है जल्दी, लेकिन ब्लैक कलर पे ऐसे जो क्लासिक मॉडल है इस पे ब्लैक कलर पे ज्यादा वेटिंग। थार में भी यही है फिर? हाँ, थार में भी है और स्कॉर्पियो में भी ज्यादातर ब्लैक कलर की ज्यादा वेटिंग। इसमें भाई वही थार वाला इंजन आता है 2.2 लीटर का जो आता है, यहाँ इसके एयर इंटेक दे रखे जो काफी अच्छे लगते हैं। नीचे अपने यहाँ पे मैट फिनिश में ग्रिल मिलती है, अपनी स्किड प्लेट मिलती है। टायर सेक्शन की बात करते हैं, इसमें आपको 17-17 इंच के अंदर आपको लवील मिलते हैं। इसके भाई टायर आपने चेंज करवाए थे, कितने कॉस्टिंग पड़ गई थी? ये दरअसल गाड़ी लेते ही मैंने चेंज करा लिए थे। इसमें जो टायर प्रोफाइल आती थी वो क्रिस्टोन के टायर थे, 235/55/R17 नॉर्मल टायर थे नॉर्मल, लेकिन इसमें मैंने अभी 255/60/R17 करवाए हैं, अपोलो के टायर से, 80 टायर से, ओल्टेरियन टायर। तो फिर मतलब उन वाले टायर फिर कितने गए हुए? मतलब इनमें डिफरेंस आया था टोटल, मैंने वो पल्टी करवाए थे टायर और ये टायर में 12,000 रुपए मुझे टोटल ओवरऑल देने पड़े थे। अच्छा, चारों टायर के, चार ही टायर चेंज कराए। फिर परफॉर्मेंस वगैरह इनकी कितना मतलब फर्क है? इनकी परफॉर्मेंस है काफी, इसमें जैसे सस्पेंशन में फर्क होता है और जैसे आप ऑफ रोडिंग में जाते हो कोई उसमें, तो काफी ग्रिप अच्छी है इनकी, ये ओल्टेरियन टायर है, आपको इसे भी मतलब उसमें रफ एंड टफ यूज कर सकते हो, उनकी थोड़ी ग्रिप हल्की थी। इसमें ब्रेकिंग वगैरह कैसी लगती है? फ्रंट ब्रेक और अच्छा रिस्पांस आ रहा है, अभी तो मैंने लगभग 2000 किलोमीटर ही चलाई है गाड़ी 20 दिन में। हाँ, 20 दिन ही हुए ले हुए, तो रिस्पांस काफी अच्छा है टायर्स का। फ्रंट में डिस्क आते और रियर में इसमें ड्रम ब्रेक्स अवेलेबल करवा रखे महिंद्रा ने। बाकी ऑल ट्रेन टायर काफी अच्छे लगते हैं, अगर आप देखते हैं यहाँ पे ऐसे मतलब पूरी मोटी ग्रिप होती है इनकी। बाकी बैक्स आपको गाड़ी दिखाता हूँ, ये अपनी स्कॉर्पियो S11 लगती है बैक्स, अगर आप देखते हो यहाँ अपनी माइक्रो हाइब्रिड की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग, यहाँ अपनी क्लासिक की, इसकी S11 मॉडल की। बाकी ऐसी कुछ लगती है अगर आप बैक से देखते हो स्कॉर्पियो S11 क्लासिक। इसमें जो पिलर लाइट है भाई ये मतलब ऑन होती है फिर? ये क्या कहते हैं जब ब्रेक अपनी हेडलैम्प ऑन होती है ना तब ऑन होती है, वैसे मतलब ब्रेक वगैरह पे? हाँ, ब्रेक वगैरह पे नॉर्मल जैसे होती है ना, बाद में जो पिलर वगैरह वो बाहर से लगवानी पड़ती है, जो लाइट आती है तो नॉर्मल जैसे इसमें लाइट जलती है। ये अपने रियर वाइपर आता है, डिफोगर आता है। और इसमें जैसे कैमरा है तो क्वालिटी क्या है? मतलब कैमरे की क्वालिटी ठीक है, रिस्पॉन्स इसका ठीक है कैमरे का। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी मतलब रख चुके हो? पहले मेरे पास इससे पहले जो कार थी वो स्कोडा की ओक्टेविया थी और मारुति सुजुकी स्विफ्ट थी। परफॉर्मेंस वगैरह कैसी लगी फिर उनके हिसाब से? तो ये गाड़ी बहुत ही अच्छी लगती है आपको? और ये SUV है तो प्रॉपर मतलब डिफरेंट है एक दूसरे से, तो आपस में कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, वो सेडान कार थी, SUV है। रियर में अभी अपने 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, अपने रिफ्लेक्टर मिलते हैं, पूरी गाड़ी से ब्लैक कलर में है तो वेटिंग इस पे ज्यादा होती है अगर आप इसके और कलर के मुकाबले देखते हो। यहाँ अपने डोर हैंडल आपको यहाँ पे बॉडी कलर ही मिलता है और रियर में कुछ ऐसी स्पेस मिलती है, स्पेस कम है भाई इसमें अगर आप देखते हो ऐसे। हाँ, स्पेस कम है, दरअसल ये कैप्टन सीट वाली है ना, नीचे ही थोड़ा सामान वामान रख सकते हैं, नहीं तो ये सीट फोल्ड करके
इसमें फिर हम स्टोरेज अपनी कैपेसिटी बढ़ी। ये आपने महिंद्रा से लगवाए थे या फिर? नहीं नहीं, ये तो बाहर से लगवाए थे, महिंद्रा में नहीं दिए मैट वगैरह, मैट वगैरह सब ये बाहर से लगवाए हैं। इसमें जैसे आप ये खोलते हो, ये डीएफ वाला तो यहीं से खुलता है वैसे? हाँ जी। फिर ये तो उसका है जो एड ब्लू का है ना? हाँ, एड ब्लू डीएफ वगैरह। हाँ, एड ब्लू का ये है, डीजल का इसका है। वे देखने में थोड़ा अजीब लगता है दोनों साइड। हाँ, ये थोड़ा सा शुरू में लगता है, लेकिन उन्होंने बताया था सर्विसिंग के टाइम पे खुलता है, मेन अपना वो डीजल वाला ही है। ऊपर अपने रूफ रेल मिल जाती है इसमें काफी बड़े, अगर आप यहाँ से देखते हो ना, मतलब अच्छी क्वालिटी आपको मिलते हैं मेटल के, और ऐसी इसकी रूफ मिलती है काफी, मतलब स्ट्रॉन्ग सी बना रखे महिंद्रा ने गाड़ी, और इसके सस्पेंशन में बहुत ट्यूनिंग कर रखी है। अगर आप देखते हो पहले वाली स्कॉर्पियो एस 11 थी ना, उसमें कहीं ना कहीं बॉडी रोल होता ही था, इसमें थोड़ा बॉडी रोल कम कर दिया गया। यहाँ अपने महिंद्रा का न्यू लोगो मिलता है। बगैर ईयर में आपको यहाँ पे ये मिल जाता है कैरी हुक, जो मतलब कभी भी टॉर्चर वगैरह आप कर सकते हो इससे। यहाँ से आप इसका फ्यूल लीड जो अपना डीजल आता है आप फिल कर सकते हो। बैक आपको ऐसा डोर मिलता है, यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल मिलता है, और यहाँ आपको ऐसी स्पेस मिलती है। डोर हैंडल आपको पूरा मैट फिनिश में मिलता है, अपना मैट डोर हैंडल मिलता है, और पूरा अपना ये पीच फिनिश में दे रखा है, अपना लेदर दे रखा थोड़ा सा। बाकी यहाँ से अपने कंट्रोल मिल जाते हैं, अपने अलग से स्पेस दे रखी है, अपने 1 लीटर की बोतल की स्पेस मिलती है। इसमें अपनी कैप्टन सीट दे रखी है गाड़ी में, जैसे आप देखते हो यहाँ देखो, इसमें अलग अलग आर्मरेस्ट मिलते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीटर में गाड़ी काफी अच्छी स्पेस दे देती है। और आप देखते हो ना, मतलब हाइट वगैरह भी काफी अच्छी मिलती है इस गाड़ी में। अगर आप देखते हो अभी अगर गाड़ी का गेट ऑन कर देता हूँ भाई, मैट अगर आप देखते हो ये भी अपने मतलब आफ्टर मार्केट चेंज करवा के। रियर में आपको यहाँ सीमेंट मिलता है, यहाँ आपको नहीं मिलते, रियर में आपको ए सीमेंट नहीं मिलते भाई, ए सीमेंट नहीं है, स्पीकर आपको दे रखे ए सीमेंट आपको रियर में नहीं मिलते थर्ड रो में। बाकी यहाँ पे अच्छी स्पेस मिलता है, जिस वजह से आप इजिली थर्ड रो में जा सकते हो। आपको स्पेस दिखाता हूँ थर्ड रो का कैसे मिलता है, क्योंकि यार स्कॉर्पियो एस 11 में थोड़ी सी स्पेस की थोड़ी कहते हैं थर्ड रो में कमी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड रो में, ये देखो भाई लेग रूम तो यार थोड़ा कम है, मतलब बच्चों के लिए ही है ये सीट मेन, और फ्रंट की मतलब इतना स्पेस मिल जाता है, रियर में थोड़ा कम है। आप अगर देखते हो बाकी भाई मेन ना इसमें ग्लास अच्छा मिल जाता है, जिस वजह से ना सफोकेशन गाड़ियाँ बहुत कम ही होती है। बाकी देखो पूरा वाइट वाइट सा अपना इंटर देर का पीछा, जिस वजह से घुटन बिल्कुल फील नहीं होते गाड़ी में। और बाकी यहाँ से अगर आप डैशबोर्ड वगैरह देखते हो काफी अच्छा लगता है, यहाँ इसमें दोनों साइड अपने आर्मरेस्ट दे रखे हैं, यहाँ अपने सीमेंट मिल जाते हो, यहाँ अपने 2 कप होल्डर की स्पेस मिलती है। अभी एक बार इसके पैसेंजर साइड आपको दिखाने वाला हूँ। ये भाई महिंद्रा की थोड़ी इस चीज़ के ऊपर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थी, ये ऐसे टूट सकता है, बस टूटेगा तो नहीं। अभी ना यहाँ पे अपने ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, और आपकी रीडिंग लैंप की बात करते हैं ना, ये अपनी हेलोजन दे रखी है, मतलब LED सी लगती है बट है नहीं, हेलोजन दे रखे। बाकी अपनी स्पीकर वगैरह मिल जाती है। अभी पैसेंजर साइड वाले डोर से दिखाने से पहले आपको यहाँ सीट में भी पॉकेट मिल जाती है, यहाँ पे भी ड्राइवर साइड वाले आपको ये नहीं मिलती, ऊपर वाली आपको मिल जाती है। बाकी ऐसी कुछ लगती है गाड़ी साइड से अगर आप देखते हो, यहाँ अपना एमओ की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ इसकी इंडिकेटर मिल जाती है, अपने 2 वाइपर मिल जाते हैं गाड़ी में, और इसका शार्क फिन एंटीना आपको नहीं मिलता, नॉर्मल एंटीना मिल जाता है। ये अपने वाइपर वॉशर मिल जाता है, जो अपने दोनों का काम करते हैं, साइड एक साइड। भाई भी गाड़ी मेरे को तो काफ़ी अच्छी लग रही है, आप देखते हो ना, और बाकी डोर भी आपको ना अच्छे हैवी मिल जाते हैं इसमें। यहाँ अपने भाई स्पेस मिल जाती है, यहाँ बोतल होल्डर की तो नहीं दे रखी है। भाई फुट रेस्ट आप देख रहे हो ना, बहुत भाई अपने पंजाब साइड के ना फुट रेस्ट हटा देते हैं, जिस वजह से गाड़ी आपको अच्छी दिखती है, बट फुट रेस्ट हटाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊँची है। यहाँ एक ग्रैब हैंडल होना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी में चढ़ने के लिए पावर चाहिए होती है। बाकी ना अभी यहाँ पे अपने पूरी क्रोम फिनिश दे रखी है, टॉप मॉडल और बेस मॉडल में फर्क ही होता है। यहाँ पे ना आपको स्कॉर्पियो की क्रोम फिनिश मिलती है, यहाँ पे क्रोम मिलता है, यहाँ आपको ये पूरा चेंज मिलता है, टॉप मॉडल अलग मिलता है। बाकी इंटीरियर आपको कुछ ऐसा मिलता है स्कॉर्पियो में, मेन इसमें एंड्रॉइड चेंज हो रखा है, अगली बार सारे शेयर बैग मिलते हैं, यहाँ अपने हार्नेस मिल जाते, क्योंकि यहाँ दे रखा है इसमें, यहाँ स्लाइडेबल वगैरह नहीं है बट यही दे रखे इन्होंने। ग्लो बॉक्स आपको काफी स्पेशियस मिल जाता है ठीक ठाक सा। यहाँ आपको भाई वैनिटी मिरर दे रखा है सनवाइजर पे, यहाँ ग्रैब हैंडल मिल जाता है कैरी के साथ, इस साइड अपना सनवाइजर भी दे रखा है, जो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे अपनी हेलोजन लाइट दे रखी है। बाकी एक बार इसके ड्राइवर साइड आपको जाके दिखाता हूँ क्या क्या आपको फीचर वगैरह मिल जाते हैं इसमें। एक्सटीरियर नॉइस भी ना भाई गाड़ी में काफी ज्यादा कम कर दिया, और ब्रेकिंग वगैरह भी काफी अच्छी कर दी है, नॉइस आप सुन सकते हो, मतलब काफी कमी आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक अगर एस 11 आप देखते हो। बाकी यार लगती तो बहुत बढ़िया, अगर आप गाड़ी यहाँ से देखते हो ना, मेरे को तो काफी अच्छी लगी है भाई। चलो अब इसके ड्राइवर साइड आपको जाके दिखाते हैं, यहाँ पे आपको नीचे पेडल लैंप वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं। बाकी मेरा आपको काफी अच्छा मिल रहा है, जो कि मतलब विजिबिलिटी काफी अच्छी रहती है। बाकी ना इसके शीशे थोड़े टिंट हो रखे हैं। बाकी यहाँ पे अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सीट आपको नहीं मिलते, मैनुअल आपको हाइट एडजस्टेबल सीट का फंक्शन मिल जाता है। बाकी आपको काफी अच्छी स्पेस मिलती है, और आप इसको ऐसे पीछे कर सकते हो। यहाँ पे आपको चढ़ने के लिए फुट स्टेपर दे रखा है, यहाँ अपना यार एक ग्रैब हैंडल होना चाहिए था, एटलीस्ट यार होना तो चाहिए ही था, बल्कि यहाँ अपने ना नीचे डेड पेडल भी दे रखे गाड़ी में, और यहाँ से इसका स्टेयरिंग सीधा कर देते हो, यार बहुत टाइट दे रखा है इसमें तो, स्टेयरिंग यार बहुत टाइट मिलता है अगर आप बंद में करते हो ना। तो स्टेयरिंग में अगर आप देखते हो ना पूरा लेदर ऐप दे रखा है, जो अपनी स्टिचिंग वगैरह आपको काफी अच्छी मिल जाती है। बाकी इसकी बात करते हैं ना, ये अपना टिल्ट एंड
नो टिल्ट ही मिलता है इसमें आपको, टेलीस्कोप आपको नहीं मिलता इसमें। बाकी आपने पूरी वुडन सी फिनिश नहीं दे रखी अपने पूरा ग्लोज दे रखा, पहले वाले में थोड़ी वुडन फिनिश आती जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ अपनी वुडन दे रखी अपनी पूरी ब्लैक फिनिश दे रखे ग्लोज ब्लैक। ये अपने SRS एयरबैग की ब्रांडिंग मिलते हैं, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है एयरबैग की। और हॉर्न आपको सुनाओ, ये अपना नॉर्मल जो अपना स्कॉर्पियन में आता है वही हॉर्न दे रखा, थार में भी यही आ रहा है, ये अपना महिंद्रा का न्यू लोगो है। बाकी साइड वाले अपने सनवाइजर पे टिकट होल्डर दे रखा है, यहाँ अपना सनवाइजर भी दे रखा है, जो अपना सनग्लास होल्डर होता है वो दे रखा है इसमें। रियर में यहाँ पे बीच में कुछ नहीं दे रखा, जैसे नॉर्मल गाड़ी आप देख रहे हैं यहाँ मिडल में सनवाइजर होता है, इसमें आपको नहीं दे रखा है। बाकी यहाँ अपना भाई आई आर में आपको डे नाइट मैनुअल मिलता है इसमें, स्टीरियो आपको जैसे मिलता है महिंद्रा का जो अपना आता है, ये भाई नॉर्मल सा स्टीरियो है, इसकी क्वालिटी आपको सुनाई दूंगा मैं वीडियो के लास्ट में, शॉट डाल दूंगा जब आप चेकआउट कर लेना। बाकी कैमरा क्वालिटी आपको दिखाता हूं इसमें, ये भाई ऐसे यहाँ से देखो ऐसे करके ये अपना लगता है रिवर्स गियर। कैमरा क्वालिटी कुछ ऐसी मिलती है महिंद्रा की यार, ठीक है देखते हो तो सही है, मतलब ज्यादा बेकार नहीं आ सकते, ठीक ठाक आपको मिल जाती है कैमरा क्वालिटी। बाकी ना अभी हटा देता हूँ गियर। सो भाई इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ अपने हजार लैम्प की कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी फ्यूल लीड अगर आपको खोलने ना तो यहाँ पे अपना बटन दे रखा है इसका, देखो ऐसे यहाँ डिफो करके मिलते हैं, अपने लाइट लेवलर मिलते हैं, अपने ORM के कंट्रोल मिल जाते हैं जो अपने खुद इस टाइप से वर्क करते हैं। बाकी यार महिंद्रा ने थोड़ी सी अजीब काम करा, जैसे ORM है ना इसके S11 के भी इंडिकेटर आपको फेंडर पे ही दे रखे यार, थोड़े से मेरे को थोड़ी अजीब बात लगी। बाकी ये अपने कुछ ऐसे AC वेंट से मिल जाते हैं इसमें, काफी अच्छे लगते हैं। बाकी भाई गियर में कुछ ऐसा मिलता है महिंद्रा का जो 6-speed ट्रांसमिशन के साथ आता है मैनुअल, ये अपने फोन के लिए स्पेस दे रखे, अलग से स्पेस दे रखे, अपना हैंडब्रेक दे रखा है इसमें, 12 volt का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ मिलता है, यहाँ आपको कोई भी अलग से नहीं दे रखे स्पेस वगैरह, आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है छोटा सा अगर आप कुछ कैरी करना चाहते हो। बाकी भाई ऊपर आपको यहाँ एक रीडिंग लैंप मिल जाती है जो अपनी पूरी तरीके से हेलोजन में काम करती है। यहाँ अपने भाई दो आर्मरेस्ट मिल जाते हैं अलग अलग सीट के लिए, जो ये मेरे को काफी अच्छी लगी महिंद्रा की ये चीज, क्योंकि यार नॉर्मल आर्मरेस्ट वगैरह पे लड़ाई होती रहती है इसमें नहीं होगी, यहाँ अपने इसवेंट आपको मिल जाते हैं। बाकी भाई इंटीरियर से तो यार यही थी गाड़ी, बाकी आपको ज्यादा कुछ मिलता नहीं इंटीरियर अगर आप देखते हो महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का। अब ये ना इसके बाद हुड ओपन करके देता हूँ, उससे पहले इंजन साउंड सुन लो इसकी कैसी मिलती है गाड़ी की, यार साइलेंट कर दिया गाड़ी तो देख रहा, काफी साइलेंट सी कर दिया यार महिंद्रा ने ये गाड़ी, मतलब पहले तो इतनी आवाज करती थी स्कॉर्पियो, अब तो बहुत ज्यादा साइलेंट कर दिया। एक अच्छा ऐसी चीज बता दूं जो यार एन में आपको नहीं मिलती, जो आपको क्लासिक में ही मिलती है, यहाँ से भी इसका हुड ओपन करते हो ना, ये देखो हाइड्रोलिक स्टार्ट ऑफर कर रखे कंपनी ने, ये देखो यहाँ आपको इंसुलेशन दे रखी है जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज्यादा साइलेंट है। इसका भाई वही 2.2 liter का इंजन आता है, मोक जो अपना डीजल आता है, पेट्रोल आपको केवल एन में ही मिलता है, इसमें आपको डीजल ही मिलता है। बाकी यार थार वाला इंजन है सेम जो अपना आता है, इंजन स्पेक्स वगैरह आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हो जो कि काफी अच्छा टॉर्क आपको मिल जाता है गाड़ी में। यहाँ देखो अपना पूरा टर्बो इंजन आता है जो कि काफी अच्छी पावर निकाल कर देता है। एवरेज की बात करते हैं ना भाई 15 की एवरेज कंपनी क्लेम करती है, बाकी जिसके ओनर है भाई वे 13 की एवरेज बताते हैं, 13 की तो दे रही है, तो गुड़गांव वाले जो अपने ट्रैफिक वगैरह होते हैं वहाँ पे ऑन AC, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे इंजन भी मिलता है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का। चलो भाई अभी स्कॉर्पियो क्लासिक S11 को चला के देखते हैं। बाकी भाई टॉर्क तो काफी अच्छा मिलता है, जैसे अभी चढ़ाई AC थी ना तो मतलब टॉर्क तो काफी अच्छा मिलता है गाड़ी में। और स्पीकर आपको सुनाऊं कुछ ऐसे मिलते हैं इसमें, क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है स्पीकर की अगर आप देखते हो ना। ये साइड में कुछ लोगों को टेक करना चाहते हैं, कर लो भाई। बाकी भाई गाड़ी चलने में तो काफी अच्छी लगती है अगर आप स्कॉर्पियो क्लास की देखते हो, मतलब पूरा हुड दिखता है यार सही में। एन में तो यार सही में ये है नहीं ये चीज, अगर आप देखते हो ना एन बस ऑटोमेटिक और पेट्रोल में आते हो वो, और कुछ नहीं है, ये अपने डीजल में सही है, मैनुअल अपना बढ़िया 6-speed जो अपना आता है इसमें। बाकी देखे ना कितने वाले इंजन वॉइस इसमें भाई कम कर दिए पहले वाले के मुकाबले, अगर आप देखते हो ना पहले वाले में इंजन वॉइस अपनी फील होती थी, इसमें अपनी कम होती है इंजन वॉइस अगर आप देखते हो। बाकी गाड़ी दबाव नहीं मानती है, तो अगर तीसरे गियर में भी है ना लो स्पीड में दबाव नहीं मानती गाड़ी बिल्कुल भी, मेरे को तो काफी अच्छी लगी अगर आप देखते हो, क्योंकि 20 lakh रुपए में यार आज के टाइम में स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी मिल जाए और क्या ही चाहिए। एन का ये Z2 मॉडल है उसमें कुछ भी नहीं है, ये कितना बढ़िया मिलता है देख लो। पोस्टर आप देख सकते हो कुछ ऐसा होता है, मतलब अगर आप 5'9" अगर हो तो मतलब सही हेडरूम तो काफी ज्यादा मिलता है इसमें, हेडरूम की कमी आपको कहीं नहीं होती चाहे स्कॉर्पियो एन हो चाहे क्लासिक हो। बाकी भाई चलने में तो गाड़ी काफी अच्छी मिलती है अगर आप देखते हो, 6-speed मतलब ट्रांसमिशन मिलता है इसमें, मतलब सही है पावरफुल एकदम, और जैसे आप पंद्रह आप तो बढ़िया चलती है गाड़ी अगर आप चला के देखते हो ना स्कॉर्पियो क्लासिक S11 डीजल। थार वाला इंजन है, बस थार में क्या है 4x4 दे रखा है, इसमें 4x4 नहीं मिलता है, रियर व्हील ड्राइव है तो गाड़ी बहुत बढ़िया है। सो भाई ये थी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11 डीजल में जो अपनी आती है 6-speed के साथ गाड़ी, यार मेरे को तो काफी अच्छी लगी यार, 20 lakh रुपए में बिल्कुल वर्थ है गाड़ी। सो भाई ये थी आज की वीडियो, वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय श्री राम।